Hey guys, आज मैं खुशी का मेकअप करने जा रहा हूँ और और इनके जो मेकअप का जो ट्यूटोरियल्स है ना वो सारे मैं क्लियर करूंगा और जो यूज करती है खुशी वो भी सारे। गाइस यहाँ पे जो खुशी यूज करती है वो प्राइमर, ये प्राइमर है उनका मेबलिन का और ये कटिंग ब्रश है, ये उनका फाउंडेशन ब्रश है, ये उनका पाउडर एंड ब्लशर ब्रश है और ये लिप ब्रश है जिसे यूज करते हैं, प्लस ये मैक का कॉम्पैक्ट है, इसका नंबर है NC25 और ये फाउंडेशन जो NC20 नंबर का है, ये इनका ब्लशर है और ये बिगी है। ओ क्यूट, सो इनकी जो डॉल है वो देखिए इतनी मस्त है। हाय खुशी, कुछ गुड बताएंगे जो कि बहुत ही क्यूट सा हो, जो आप सोचते हो हमेशा अपने डॉल के साथ में। अक्सर हमेशा जब कुछ मैं क्वेश्चन करता हूँ वो नहीं समझ में आता है, मुझे खुद को नहीं पता मैं पूछता क्या हूँ, और खुशी ऐसे रिएक्ट करती है। फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनके फाउंडेशन से जो कि मैक का है। सो अब हमारा फाउंडेशन हो गए एंड अब कॉम्पैक्ट की बारी। गाइस कॉम्पैक्ट बोले तो ये मेकअप फाउंडेशन को लॉक करना होता है, इनको फिक्स करना होता है, इससे इनकी लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाती है। मेरा नाम है हम पहाड़ के ऊपर है ना, ऊंचाई पे। बाद में हम उनका आई शेडो करेंगे और सेम चीज उनका ब्लशर भी है तो, और वो बहुत ही नेचुरल रखना है इसलिए हम एक हल्का सा ही शेड देंगे, वो प्रॉपर आई मेकअप या आई शेडो नहीं दिखना चाहिए। ये मेकअप इतना लाइट इसलिए होता है कि इससे करेक्टर मेकअप में मेकअप लाउड नहीं करना है। खुशी का अभी क्या बात है ना, मैं कर पिन दिया है क्या उसमें, वो क्लिप बॉक्स में थी, बॉक्स में ना कभी कभी फ्लैश तक पहले तो कैसे रखेगा। मैं ही वही कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कभी-कभी ये लगता नहीं है तो ऐसे आपके बैग पे रखता हो क्या? हाँ ये नया ट्रिक है, ट्रिक है खुशी ने नया ट्रिक बताया। खुशी ये और इन मामू, हाँ इयररिंग का कुछ नहीं लगा दिया है, ये कौन लेते हैं इयररिंग के लिए? वॉच भी पहन दो। नहीं सर मैंने कुछ नहीं पहना था क्योंकि वो दिख नहीं रही थी ना, कुछ आपने बिगी को गिरा दिया। नहीं 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 कैसे गिर गया ये, इसके बाद में हम एक हल्का से स्पर्श कर लेंगे मस्कारा का जो कि नाक के बराबर होता है। अब ये बना नीचे देखना, ट्रांसलेंट वाले यूज कर लो ना। अच्छा है ऐसा है क्या? टाइम बढ़ाने के लिए घुमाना चाहता हूँ काफी, बहुत कुछ नहीं खुशी आपके इयररिंग वही थे ना? हाँ तो इस तरीके से ये मेकअप कंप्लीट होता है और हमारी खुशी जो है पूरी तरह से रेडी है, बाद में अपने कॉस्ट्यूम पहनेंगे और फिर जो भी है वो बातें करेंगे। कैसी है? बहुत अच्छा मेकअप किया राजू दादा ने, और ये हमेशा बहुत अच्छा करते हैं, बस पता नहीं कभी कभी बीच में कहीं चले जाते हैं।
हाँ गाइस, मैं थोड़ा बाहर चले जाता हूँ और मैं कुछ मंथ के लिए बाहर जाने वाला भी हूँ और उसमें कुछ एडवेंचरस मेकअप लेके आऊँगा। और तब तक लें हमारी खुशी के साथ में आप जुड़े रहिएगा। और हमारा लास्ट स्टेप है, हमारा लास्ट स्टेप जो है वो लिप बाम का, वो हम बाद में लगाएंगे। इसमें बचा हुआ है सिर्फ लिप बाम, तो हम बाद में कर लेंगे या फिर खुशी अपने हाथ से खुद करती है क्योंकि करोना है ना, तो वो अपने हाथ से करवा लेंगे। ये वाला तीसरे से कंप्लीट होता है।